भोजपुरी अभिनेत्री एवं निषाद शक्ति संगठन के संरक्षक काजल निषाद शुक्रवार को धर्म नगरी वृंदावन आई गोरा नगर कॉलोनी स्थित पूर्व सभासद बादाम सिंह निषाद के आवास पर पहुंची काजल निषाद का समाज के लोगों द्वारा पटका उड़ाकर जोशीला स्वागत किया। इस दौरान पत्रकारों से मुखाबित होती हुई काजल निषाद ने कहा कि मैं समाज के अंदर शक्ति भाव पैदा करना चाहती हूँ। हालांकि समाज में शक्ति तो बहुत है, लेकिन अलग अलग संगठन बनने से शक्ति बट गई है। इसलिए निषाद शक्ति संगठन का पूरा उद्देश्य समाज को जोड़कर महाशक्ति के रूप में आगे लाना है। उन्होंने कहा कि समाज में कुछ लोग एवं सांसद विधायक भी बने, उनमें से आशा थी कि समाज का उत्थान करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज की दशा एवं दिशा दयनीय है। वे चाहती हैं कि समाज के एक ही परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज की प्रगति हो, साथ ही दबे कुचले लोगों की आवाज बुलंद हो। बताया गया कि अलग अलग जिलों में दौरा कर समाज के लोगों को संगठन के विचारधारा से अवगत कराया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि वे चाहती हैं कि आगामी चुनाव में समाज के लोगों की अधिक से अधिक हिस्सेदारी रहे। सर्वप्रथम मैं पत्रकार महोदय आपका धन्यवाद करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, और कैमरे के पीछे भी भाई मेहनत करते हैं उनको भी नमस्कार धन्यवाद करती हूँ। उद्देश्य तो मेरा एक ही है कि सामाजिक संगठन बनाकर समाज को जोड़ें। समाज के अंदर जो है शक्ति बहुत है, शक्तिशाली समाज है हमारा, क्रांति वीरों का समाज है, समाज ने बहुत लड़ाई लड़ी है, आज़ादी की भी लड़ाई लड़ी है, हमारा समाज सक्षम है पूरी तरह से, ताकत में बल में। पर ये समाज जो है हमारा एक बिखरा पड़ा है, शक्तियाँ बहुत है लेकिन अलग अलग संगठन बनाकर, संघ बनाकर, दल बनाकर अलग अलग हिस्सों में अपनी ताकत, अपनी शक्ति जो है उनकी बट गई है। मैंने जो एक संगठन बनाया है निषाद शक्ति संगठन, यानी कि निषाद पावर ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत मैं अपने पूरे समाज को जोड़ना चाहती हूँ, एक महाशक्ति के रूप में जोड़ना चाहती हूँ। इसका कारण ये है कि हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग आए जिस पर हमें बड़ा भरोसा हुआ, बड़ा यकीन हुआ कि ये हमारे लिए काम करेंगे, हमारे समाज का उत्थान करेंगे, हमारे समाज की बातें आगे बढ़ाएंगे, इनको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सारा बल इनको प्रदान करेंगे। लेकिन ये सारी जो बातें उनकी थी, ये जो उनके वादे थे, ये धराशायी हो गए। बहुत से नेता ऐसे आए जो हमारे सांसद भी बने, कोई हमारे MLC बन गए, कोई कैबिनेट मंत्री बन गए, उनके बेटे सांसद बन गए, उनके दूसरे बेटे जो है वो भी विधायक बन गए। हमें बड़ी आशा रही कि हमारे समाज को जो है वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम सबका सपना बड़ा चूर चूर हुआ है, दिल बड़ा टूटा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज भी हमारे समाज की दशा और दिशा आज भी दयनीय है। तो मैं कहती हूँ कि क्यों, मतलब कोई एक जब कारवा चलता है तो अकेला तो कोई नहीं चलता, शुरू में अकेला चलता है, फिर धीरे धीरे कारवा बढ़ता जाता है। सबकी शक्तियाँ लगी, सबकी ताकत लगी, सबका अपना धन बल पैसा सब कुछ, सब ने तन मन धन से साथ दिया, तो क्यों सिर्फ एक ही परिवार का जो है वो उद्धार हो रहा है, एक ही परिवार जो है वो प्रगतिशील बनते जा रहा है। सबको बनना चाहिए, सबके घर में जिसका जो योग्य सम्मान है वो मिलना चाहिए। तो मेरे समाज को जोड़ने के लिए और भी जो दबे कुचले लोग अपनी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, उनकी आवाज़ बुलंद करने के लिए मैं आगे बढ़ी। आगे क्या कार्य करने रहेंगे आपको समाज को, अपने समाज को लेकर? मैं फिलहाल तो मैं प्रदेश दौरे पर हूँ, अलग अलग प्रदेशों में जाकर अपने समाज से मिल रही हूँ, जोड़ रही हूँ, कुछ मीटिंग्स, कुछ सभाएं, जैसे निषाद राज जयंती थी हमारे, कश्यप जयंती जब थी तो गई थी, अभी मऊ जिला में गई थी, मैं बिहार के बॉर्डर सलेमपुर गई थी, सिद्धार्थनगर गई थी, आज यहाँ मथुरा आई हूँ, आगरा गई थी, ऐसे हर अलग अलग जो जिलों में है मैं जा रही हूँ, अपने समाज से अपनी बातें कर रही हूँ, अपनी जो विचारधारा है वो प्रकट कर रही हूँ। पिछले चुनाव में हमने विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, जिस शक्ति संगठन को इकट्ठा करने के आगे भविष्य में और आगे चुनाव लड़ने की तैयारी रहेगी आपकी पार्टी से? जी बिल्कुल 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 रहेगी, और मैं चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हमारे समाज के जितने भी प्रतिभाशाली जो लोग हैं उनकी रहे, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया, अपना विचार प्रकट कर दिया कि सिर्फ एक घर की तरक्की नहीं होनी चाहिए, जो योग्य है, जो जिस लायक है, उनको वो सम्मान मिलना ही